सरगुजा जिले के ग्राम चिरगा में प्रस्तावित एल्यूमिनियम रिफाइनरी फैक्ट्री में रोजगार जल्द दिलाने की मांग को लेकर ग्राम चिरगा भटको करदना कालीपुर के ग्रामीणों ने कलेक्टर परिसर का घेराव किया है। ग्रामीणों ने रोजगार चाहिए के नारे लगाते हुए लगभग हजारों की संख्या में ग्रामीण कलेक्टर परिसर में घुसने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कंपनी ने 4 माह पहले रोजगार के लिए आवेदन जमा करवाया परंतु अब तक उन्हें रोजगार नहीं दिया गया। वहीं कंपनी को आवंटित भूमि को जल्दी से जल्दी कब्जा दिलाने की बात कही। ग्रामीणों का कहना है कि चिरगा घाट डोगरी पर जिसका भी कब्जा है उसे तुरंत मुआवजा दिया जाए। हमारे यहाँ जो प्लांटेशन में हमारे फार्म भरी नहीं है कम से 4 माह होगी से ना रुखा जाके रोजगार मांगता तो मैं क्या कहते हैं हम सीधा का प्लांटेशन सरकारी जमीन को मिलना चाहिए हमको तभी हम खोल सकते हैं तभी हम रोजगार हम दे सकते हैं। और जब तक सीधा का वो जमीन नहीं मिलेगा सरकारी जमीन तब तक हम प्लांटेशन नहीं खोल सकते हैं आप रोजगार नहीं दे सकते हैं। जाइए वहाँ और बोलिए कलेक्टर महोदय के सामने अगर वो चाहें तो प्लांटेशन आपको खुल सकता है आपको रोजगार मिल सकता है। रोजगार हम बेरोजगार हैं इसलिए अपन को काम चाहिए और माजा चिरगा में प्लांट खुलेगा तो हमको काम मिलेगा इसलिए काम चाहिए। तो क्यों नहीं खुल पा रहा है अभी तक? कुछ अवैध रूप से जमीन कब्जा हुआ है तो उस कारण से नहीं खुल पा रहा है। ग्राम चिरगा से हमारे पास ज्ञापन देने के लिए ग्रामीण जन पहुंचे हुए थे। उनकी ये मांग थी कि उन्हें रोजगार और मुआवजा प्रदान किया जाए। उनका कहना है कि कंपनी को उन्होंने 4 महीने से अपना आवेदन पत्र दे दिया है रोजगार के लिए तो उस संबंध में कार्यवाही की जाए और कंपनी उनको रोजगार दे। साथ ही उनका ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया है कि हम अगर किसी को जमीन अपना कंपनी को देना चाहते हैं तो कंपनी उस जमीन को ले और हमें मुआवजा प्रदान करे। तो मेरे द्वारा जो है ज्ञापन लिया गया है आगामी कार्यवाही के लिए ये प्रेषित किया जाएगा।